बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ ब्रेड स्नैक्स, ब्रेड पैटो स्नैक्स हम बनाएंगे। बहुत ही इजीली बन जाते हैं, टी टाइम के लिए बच्चों को आप लंच में दे सकते हैं। चले स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक आलू लिया, इसको मैंने बॉयल कर लिया था, इस तरह हम इसको मैश कर लेंगे मैशर की मदद से, फॉक की मदद से। ये देखें आलू अच्छे से मैश हो चुके हुए हैं। अब इसमें ऐड करेंगे प्याज। ये मैंने एक मीडियम साइज का प्याज लिया, उसको बारीक बारीक चॉप कर लिया, साथ एक ग्रीन मिर्च अंदर ही चॉप कर लिया। थोड़ा सा हम प्याज ऐड करेंगे। देखिए मैंने 2 टेबल के पास प्याज ऐड किए। अब हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक है मेरे पास 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर है 1 टीस्पून भर के, जीरा पाउडर है 1 टीस्पून भर के, रेड मिर्चा का पाउडर है 1/2 टीस्पून। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन चीजों को। फिलिंग, स्टफिंग देखें सब कुछ रेडी हो चुका है। अब हम स्लरी रेडी करते हैं। स्लरी के लिए मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून भर के मैदा लिए। उसके बाद हम डालेंगे कुछ स्पाइसेस, 1/2 टीस्पून साबुत जीरा, 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून या मेरे पास रेड मिर्चों का पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक। ये सब कुछ हम अंदर ऐड करेंगे। ड्राई इंग्रीडियंट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने लिया है 1/2 कप पानी, ये हम ऐड करेंगे। स्लरी हमें ज्यादा गाढ़ी और ज्यादा ही पतली नहीं बनानी, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। स्लरी ये देखिए रेडी हो चुकी हुई है, इस तरह हमने बनाई है, ना ही ज्यादा गाढ़ी ना ही ज्यादा पतली। यहाँ पे मैंने लिए कुछ ब्रेड के स्लाइसेस, इस तरह हम सर्कल में कट कर लेंगे। ब्रेड को इस तरह देखिए स्लाइसेस में कट कर लिया सर्कल में। इसके जो किनारे है उसको हमने रिमूव कर दिए, उसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। अभी हम स्टफिंग फिल करेंगे। ये देखिए इस तरह प्यारी से हम भर भर के स्टफिंग फिल कर देंगे। स्टफिंग फिल कर ली हुई है, अब इस तरह हम ऊपर दूसरा स्लाइस रख देंगे ब्रेड का। ये देखें प्यारे से हमारे छोटे छोटे सैंडविच रेडी हो गए। स्लरी को अच्छे से मिक्स करेंगे। लास्ट में मैंने देखे थोड़ा सा पुदीना डाला है। अब हम जो सैंडविच हमने बनाए हैं उसको स्लरी में डिप करेंगे और फ्राई कर लेंगे। ये देखें इस तरह हम स्लरी में अच्छे से डिप कर लेंगे दोनों साइड्स को और फ्राई कर लेंगे। एक पैन में देखिए मैंने ऑयल डाल दिया था, वो गर्म हो चुका हुआ है। अब इस तरह हम रखते हैं फ्राई होने के लिए रख देंगे। ये देखिए इसे हम लो मीडियम फ्लेम पे इस तरह फ्राई कर रहे हैं। गोल्डन ब्राउन जैसे ही दोनों साइड पे कलर आएगा हम निकाल लेंगे। ये देखिए ब्रेड स्नैक्स हमारे रेडी हो चुके हैं, कितने ही क्रिस्पी बने ये देखें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।